नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो डी फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन की इंफॉर्मेशन बुलेटिन आई है वहाँ पर हमें इमेज अपलोडिंग के लिए और सिग्नेचर्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर आप देखिए इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शंस तो यहां पर आपको नोट दिया गया है काइंडली गो थ्रू द गाइडलाइंस केयरफुली आपको गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलना है इमेज अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस और फेलियर टू रेक्टिफाई द इमेज इन द इडि विंडो और फाइनल इडिट विंडो शॉल इन्वाइट रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन अगर आपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहाँ पर जो इमेज है वो अपलोड नहीं की तो उस कंडीशन में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है तो इसीलिए जो भी आप इमेज अपलोड करने वाले हो जो भी आप सिग्नेचर करने वाले हो वो ध्यान से करना है आपको देन यहाँ पर क्या बोल रहा है बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन अ कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू हैव स्कैन डिजिटल इमेज ऑफ़ हीज़ और हर फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन एज़ पर द सिग्निफिकेंस गिवन बिलो योअर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस यू अपलोड यूर फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन एज स्पेसिफाइड तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले आपके पास आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए सिग्नेचर साथ में थर्म इम्प्रेशन आपको वहाँ पर करना है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रजिस्टर नहीं होगा जब तक आपका जो फोटोग्राफ है सिग्नेचर या फिर थर्म इम्प्रेशन है जब तक आपका अपलोड नहीं हो जाता तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें फोटोग्राफ से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो उसके बारे में देखते हैं तो प्रोसेस फॉर फोटो अपलोड तो फोटो अपलोड की जो प्रोसेस है वो कैफे वाले सही तरीके से कर लेंगे देन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है द कैंडिडेट शॉल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड टू फोटोग्राफ्स तो कैंडिडेट को दो फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी फर्स्ट अ रियल टाइम फोटोग्राफ टेकन बाय वेब कैन और इन कैमरा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो रियल टाइम फ़ोटोग्राफ तो रियल टाइम फ़ोटोग्राफ मतलब जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो उस टाइम पे जो कंप्यूटर सिस्टम है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो कंप्यूटर सिस्टम पे कैमरा है वहाँ से आपकी फ़ोटो ली जाएगी तो वो होगी आपकी रियल टाइम फोटोग्राफ देन नेक्स्ट है कन्फर्म दैट द सिस्टम यूज टू फिल द फॉर्म्स हैज़ एन इन बिल्ट कैमेरा और वेब कैम तो आप कहीं से भी अगर फॉर्म फिल कर रहे हो तो ये आपको ध्यान में रखना है ये कन्फर्म करना है कि आपका जो आपका जो सिस्टम है आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वहाँ पर इन बिल्ट कैमरा या फिर वेब कैम हो बी प्रॉपरली ड्रेस्ड इन अ फॉर्मल अटायर देन नेक्स्ट क्या बोला गया है स्टैंड और सिट अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड तो आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए आपकी जो इमेज है वहाँ पर जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और जो डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड होते हैं उनको अवॉइड करना है आपको देन नेक्स्ट क्या बोला गया है देयर शुड बी ब्राइट लाइट फॉलिंग ऑन यूअर फेस बट नॉट ऑन द वेब कैम तो जो लाइट ब्राइट लाइट है वो आपके फेस पे होनी चाहिए वेब कैम पे नहीं नो ऑब्जेक्ट शुड बिहाइंड यू वाइल कैप्चरिंग अ फोटोग्राफ थ्रू वेब कैम जब वेब कैम आपकी इमेज अपलोड कर रहा हो जब आपकी फोटो खींच रहा हो तो उस टाइम पर आपके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए द इमेज मस्ट नॉट इंक्लूड अदर ऑब्जेक्ट और एडिशनल पीपल इंश्योर दैट यू आर ओनली वन पर्सन इन द पिक्चर तो जब आपकी इमेज अपलोड हो रही हो आपकी इमेज ली जा रही हो तो उस टाइम पे आपके आजू बाजू में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए आपके पीछे कोई एडिशनल पीपल नहीं रहने चाहिए पिक्चर में सिर्फ आप अकेले पर्सन हो यह आपको इंश्योर करना है देन नेक्स्ट क्या बोला गया है द इमेज मस्ट कंटेन फुल फेस इयर्स नेक एंड शोल्डर ऑफ द एंट्रांस इन फ्रंटल व्यू विद न्यूट्रल नॉन स्माइलिंग एक्सप्रेशन एंड विद द आइज ओपन एंड डायरेक्टेड एट द कैमरा तो आपके फुल फेस आना चाहिए इयर्स नेक शोल्डर्स ये आने चाहिए फोटो में नॉन स्माइलिंग एक्सप्रेशन रहने चाहिए आइज ओपन रहने चाहिए और कहाँ पर रहने चाहिए कैमरा के ऊपर एंड डायरेक्टेड एट द कैमरा देन नेक्स्ट क्या बोला गया है द इमेज मस्ट नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द एंट्रांस शोल्डर तो शोल्डर के नीचे का जो बॉडी पार्ट है वो इमेज में नहीं रहना चाहिए देन नेक्स्ट है क्लिक ऑन कैप्चर फोटो बटन इन द एप्लीकेशन फॉर्म तो ये आपका कैफे वाला कर देगा देन नेक्स्ट क्या बोला गया है कि अपलोड अ रीसेंट फोटोग्राफ नॉट मोर देन थ्री मंथ्स ओल्ड विच कैन बी प्रिपेर इन फॉलोइंग वे तो आपकी जो फोटोग्राफ है वो तीन महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए जो रिसेंट फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सही वे क्या है यह यहाँ पर आपके सिग्नेचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है तो सिग्नेचर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें इमेज के थ्रू बताया गया है आप देख सकते हैं नीचे तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ्स तो एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं इमेज के थ्रू यहाँ पर आपको समझाया गया है तो जैसे ये फोटो है तो यहाँ पर आप देखिए इसका सर सही से नहीं आया है यहाँ पर ये क्रॉप की गई है तो क्रॉप इमेज नॉट एक्सेप्टेबल सही इमेज किस तरीके से इस तरीके से होने चाहिए प्रॉपर इमेज होने चाहिए वाइड बैकग्राउंड है और प्रॉपरली ये इमेज ली गई है रीजन फॉर रिजेक्शन क्रॉप इमेज रिजेक्शन का रीजन क्या है क्रॉप होने की वजह से इमेज क्रॉप होने की वजह से आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा नॉट लुकिंग स्ट्रेट इन टू द कैमरा अगर आप कैमरा में सही तरीके से स्ट्रेट नहीं देख रहे होंगे तो उस कंडीशन में भी आपकी जो फोटो है वो रिजेक्ट की जाएगी देन नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ जो है वो आपको नहीं लेनी है देन नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्लैश और इम्प्रॉपर लाइटिंग तो यहां पर आप देखिए इस फोटो को देखिए यहां पर जो पर्सन है उसका फेस ही क्लियरली दिख नहीं रहा है उसका फेस प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो ऐसी फोटो भी नहीं चलेगी देन नेक्स्ट है फोटो टेकन विथ मोबाइल फोन इंक्लूडिंग सेल्फी इज रिजल्टिंग इन डिस्टॉर्टेड फेस तो यहाँ पर आप देखिए ये यह, यहाँ पर जो इमेज ली गई है ये फोटो से ली गई है ये सेल्फी है तो इस तरीके से जो इमेज होंगे वो भी नहीं चलेंगे देन नेक्स्ट है डिस्टॉशन ड्यू टू इन्ार्जमेंट ऑफ एन ओरिजिनल स्मॉलर इमेज तो जो ओरिजिनल स्मॉल इमेज है उसका इन्लार्जमेंट किया गया तो उसकी वजह से इमेज इस तरीके से हो जाती है तो ऐसी इमेज भी अपलोड नहीं की जाएगी ये रिजेक्ट हो जाएगी देन नेक्स्ट है इम्प्रॉपर बैकग्राउंड और सनग्लासेस अगर आपका बैकग्राउंड सही तरीके से नहीं है आपने सनग्लासेस पहने हैं तो उस कंडीशन में भी आपकी जो इमेज है वो रिजेक्ट हो जाएगी देन नेक्स्ट है टू मच ग्लेयर ऑन स्पेक्टेकल्स तो आपका चश्मा है आपके स्पेक्टेकल्स है तो वहां पर बहुत ज्यादा ग्लेयर है क्लियरली आपके आइज नहीं दिख रहे तो ऐसी इमेज भी नहीं चलेगी देन नेक्स्ट टाइम स्पेक्टेकल्स रेम ओवर आइज तो यहाँ पर आप देखिए इस इमेज में अगर आपने इस तरीके से फोटो ली है और फोटो ये अपलोड की है तो ये रिजेक्ट हो जाएगी तो इस तरीके से ये फोटोज के रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस थे देन नेक्स्ट हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सेप्टेबल सिग्नेचर्स सिग्नेचर्स से रिलेटेड यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो उनके बारे में भी देख लेते हैं तो यहां पर आप देखिए नॉट एक्सेप्टेबल सिग्नेचर्स दिए गए हैं रीजन दिया है उसका और एक्सेप्टेबल किस तरीके से होंगे वो भी यहाँ पर दिया है तो यहां पर आप देखिए इस बॉक्स में सिग्नेचर नॉट इन रेक्टेंगल बॉक्स अगर आपके सिग्नेचर्स यहाँ पर स्क्वेयर में है है ना तो स्क्वेयर में है तो ऐसे अगर स्क्वेयर में आप सिग्नेचर कर रहे हो तो ऐसे सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे आपको प्रॉपर रेक्टेंगल बॉक्स में इस तरीके से सिग्नेचर करने हैं देन नेक्स्ट है सिग्नेचर नॉट इन फुल आपकी सिग्नेचर प्रॉपरली आपने फुल फॉर्म में नहीं किए हैं तो उस कंडीशन में भी आपकी सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे देन नेक्स्ट है इनिशियल्स आर अनएक्सेप्टेबल तो इनिशियल्स आप सिर्फ यहां पर जैसे एम लिखा है तो सिर्फ यम यहां पर नहीं चलेगा अपने नाम का सिर्फ यहाँ पर आप इनिशियल लिख रहे हो तो उस कंडीशन में भी ऐसे सिग्नेचर्स नहीं एक्सेप्ट होंगे आपको सही प्रॉपर तरीके से आपका नाम इस तरीके से लिखना होगा देन नेक्स्ट है सिग्नेचर इन कैपिटल आपने इस तरीके से कैपिटल में सिग्नेचर किए हैं तो उस कंडीशन में भी आपके जो सिग्नेचर है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे इस तरीके से तो भी आपको आपकी सिग्नेचर करने पड़ेंगे देन नेक्स्ट हैं सिग्नेचर इज स्मॉलर इन साइज इंस्टेड ऑफ द बॉक्स एंटायर पेज इज स्कैंड एंड अपलोडेड तो आपके जो सिग्नेचर है उनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल है यहाँ पर प्रॉपरली देख भी नहीं रहे हैं तो एंटायर पेज जो है वो स्कैन किया है और अपलोड किया है तो ऐसे सिग्नेचर भी नहीं चलेंगे देन नेक्स्ट है सिग्नेचर नॉट इन प्लेन वाइट बैकग्राउंड तो यहाँ पर आप देखिए सिग्नेचर जो है वो प्लेन वाइट बैकग्राउंड में नहीं किए गए हैं तो ऐसे सिग्नेचर भी नहीं चलेंगे देन नेक्स्ट है सिग्नेचर एंड थम इम्प्रेशन इन द सेम बॉक्स तो आपने सिग्नेचर भी उसी बॉक्स में किए है और आपका थम इम्प्रेशन भी उसी बॉक्स में किया है तो ऐसे सिग्नेचर भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे देन नेक्स्ट है सिग्नेचर विथ डार्क बैकग्राउंड तो आपका यहाँ पर देखिए इमेज में देखिए जो बैकग्राउंड है सिग्नेचर का वो टोटली totally डार्क है जिससे सिग्नेचर सही तरीके से दिख भी नहीं रहे हैं तो ऐसे सिग्नेचर जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे देन नेक्स्ट है सिग्नेचर आउटसाइड द रेक्टेंगल तो यहां पर आप देखिए सिग्नेचर रेक्टेंगल से बाहर जा रहे हैं प्रॉपरली रेक्टेंगल में सिग्नेचर रहने चाहिए अगर ऐसे बाहर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है देन नेक्स्ट है सिग्नेचर इन अदर देन ब्लू और ब्लैक इंक अगर आप सिग्नेचर जो है वो ब्लू और ब्लैक कलर की इंक में ना करते हुए पिंक कलर की या फिर रेड कलर की ऐसे कलर की इंक में कर रहे हो तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा वो सिग्नेचर आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे आपको प्रॉपर ब्लू या फिर ब्लैक इंक में ही अपने सिग्नेचर करने हैं देन नेक्स्ट है फोटोग्राफ अपलोडेड इन द प्लेस ऑफ सिग्नेचर अगर सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर की जो जगह है वहाँ पर आपने फोटोग्राफ अपलोड कर दिया तो वो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा देन नेक्स्ट है थर्म इम्प्रेशन अपलोडेड इन द प्लेस ऑफ सिग्नेचर सिग्नेचर की प्लेस की जगह आपने थर्म इम्प्रेशन कर दिया थर्म इम्प्रेशन अपलोड कर दिया तो वो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा देन नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सेप्टेबल थम इंप्रेशन तो आपके जो थम इंप्रेशन है उनके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है आपके थम इम्प्रेशन के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं तो उनके बारे में देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कौन से जो थर्म इम्प्रेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे और उनके रिजल्ट देखेंगे और एक्सेप्टेबल कौन से हैं वो भी यहाँ पर हमें दिए गए हैं तो थर्म इम्प्रेशन इन अदर देन ब्लू और ब्लैक इंक तो जैसे यहाँ पर आप बॉक्स में देखिए जो थर्म इम्प्रेशन है वो रेड कलर की इंक में किया गया है तो अगर आप ब्लू या फिर ब्लैक इंक को छोड़ के दूसरे कौन से भी कलर से अगर थर्म इम्प्रेशन कर रहे हो तो वो आपका सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं होगा आपको थर्म इम्प्रेशन करना है तो ब्लू या फिर ब्लैक इंक से ही आप कर सकते हो देन नेक्स्ट है थर्म इम्प्रेशन टेकन वाई मोबाइल फ़ोन और कैमरा विद डार्क बैकग्राउंड तो थर्म इम्प्रेशन जो है वो मोबाइल से लिया है या फिर फोन कैमरा से लिया है और वो भी डार्क बैकग्राउंड में यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं तो इस तरीके से अगर इम्प्रेशन है थम इम्प्रेशन तो ये भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा देन नेक्स्ट है इनकम्प्लीट थम इम्प्रेशन आपका जो थम इम्प्रेशन है वो इनकम्प्लीट है इस तरीके से है तो इस तरीके से भी अगर थम इम्प्रेशन रहा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा देन नेक्स्ट है पिक्चर ऑफ थम इंस्टेड ऑफ इम्प्रेशन तो आपने अगर थम की पिक्चर अपलोड की है इम्प्रेशन की जगह अपने थम की पिक्चर अपलोड की है तो उस कंडीशन में भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है देन नेक्स्ट है थम इम्प्रेशन अपलोडेड इज पार्शियली क्रॉप्ड और नॉट स्कैन प्रॉपरली तो आपका जो थम इम्प्रेशन है वो सही तरीके से स्कैन नहीं हुआ है या फिर पार्शियली क्रॉप हो गया है तो उस कंडीशन में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है देन नेक्स्ट है थम इम्प्रेशन इज नॉट क्लियर अगर आपका थम इम्प्रेशन क्लियर नहीं है तो वो भी आपका फॉर्म नहीं चलेगा देन नेक्स्ट है ड्राई थम इम्प्रेशन आपका जो थम इम्प्रेशन है वो ड्राई है तो उस कंडीशन में भी आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा देन नेक्स्ट है थम इम्प्रेशन नॉट इन प्लेन वाइट बैकग्राउंड अगर आपका थर्म इम्प्रेशन प्लेन वाइट बैकग्राउंड में नहीं है तो उस कंडीशन में भी आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा देन नेक्स्ट इम्प्रेशन ऑब्सकर्ड इंक तो आपने जो थर्म इम्प्रेशन किया है अपना वहां पर टू मच इंक हो गई है मतलब बहुत ज्यादा आपने इंक ले ली है तो इस तरीके से अगर आपने जो थर्म इम्प्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंक आपने ले ली और उससे थम इम्प्रेशन किया तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा देन नेक्स्ट है थम इम्प्रेशन इज टू स्मॉल अपलोडेड फुल ए फोर साइज शीट इंस्टेट ऑफ बॉक्स अलोन तो थम इम्प्रेशन आपने प्रॉपरली किया पर बहुत ज़्यादा छोटा हो गया आपने जो ए फोर साइज़ की फुल शीट है वही अपलोड कर दी जो बॉक्स है उसकी जगह जो ए फोर साइज की शीट है वही अगर आपने अपलोड कर दी जिसकी वजह से थम इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा छोटा आ गया तो ऐसा थम इम्प्रेशन भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो इस तरीके से ये कुछ थम इम्प्रेशन से रिलेटेड इमेज अपलोडिंग से रिलेटेड और साथ में सिग्नेचर से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहीं पर ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो इन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है नहीं तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए थैंक यू